नमस्कार, आप देख रहे हैं एस आर अशोक नगर और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र भदौलिया। आप हमारे यूट्यूब चैनल एस आर अशोक नगर को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके बेल आइकन को भी दबाइए ताकि अशोक नगर से संबंधित तमाम जानकारियों की वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कक्षा 10वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को कैरियर मार्गदर्शन के लिए हम छू लेंगे आसमान योजना का शुभारंभ सोमवार को मॉडल स्कूल टीटी नगर से किया गया। शुभारंभ अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के उद्बोधन सीधा प्रसारण कलेक्टर श्रीमती मंजू शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री सुरेश कुमार, अपर कलेक्टर श्री ए के चांदेल, जिला शिक्षा अधिकारी श्री आदित्य नारायण मिश्रा सहित स्कूली बच्चों ने उत्कृष्ट विद्यालय अशोकनगर में देखा एवं सुना। हम छू लेंगे आसमां योजना का मुख्य उद्देश्य कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भविष्य में विभिन्न कैरियर और अकादमी विकल्पों के बारे में काउंसलर द्वारा जानकारी देना है। हम छू लेंगे आसमान योजना के तहत जिले में 21 से 31 मई तक 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को कैरियर मार्गदर्शन दिया जाएगा। कक्षा 12वीं में 70% से कम अंक प्राप्त विद्यार्थियों को 1 से 10 जून तक मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। कक्षा 10 और 11 और 12वीं में विद्यार्थियों को 14 से 25 जून तक काउंसलर श्री विनोद सिहारे, श्री अनिल खंतवाल, श्री सुरेश मौर्य तथा बी के बामहरिया द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि जिला अशोकनगर में 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 1449 छात्र छात्राएँ हैं। जिंदगी देखने पर गुजारने के बाद टूटी लगाई है ना इसकी, अगर जॉब नहीं मिलता रोजगार नहीं मिलता। छात्रों के लिए बड़ा कार्यक्रम चलाया है उसमें आत्मा तो मेधावी छात्र हैं, तो अशोकनगर को लेकर किस तरह की तैयारी आपकी और क्या अपील रही है? हमारे जिले में जितने भी 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र हैं, चाहे वो शासकीय स्कूलों के या प्राइवेट स्कूलों के, उनके लिए शासन निर्देशानुसार आज 21 तारीख से काउंसलिंग का काम शुरू है। पहले चरण में ही बच्चों की काउंसलिंग होगी। आज लाइव टेलीकास्ट भी वर्तमान में भी सब बच्चे देख रहे हैं और पूरे जितने भी बच्चे सबके लिए बैठने की बाहर की अच्छे से सुनने की लाइव बात करने की भी सारी व्यवस्थाएं हमारे जिले में की गई हैं और दूसरे चरण और तीसरे चरण की भी इसी प्रकार से समुचित व्यवस्थाएं की जाएंगी। काउंसलिंग में केवल हमारे टीचर्स ही नहीं बल्कि प्रशासनिक अधिकारी या और शहर के गणमान्य व्यक्ति जो जिनको फॉलो किया जा सके उनकी भी मदद लेके बच्चों की काउंसलिंग की जाएगी। कार्यक्रम जो है बच्चे मेधावी हैं उनके लिए शुरू किया जाए सभी बच्चों के लिए, तो किस तरह का कार्यक्रम और अशोकनगर में आप इसको कैसे चला रहे हैं? अभी अशोकनगर में जिले में 7 जगह जो है कार्यक्रम चल रहा है। जो कैरियर काउंसिल की शुरुआत है आज से टेलीकास्ट भी मुख्यमंत्री द्वारा गई और सभी 1449 बच्चों को यह सूचना दी गई और अधिकांश बच्चे जो है उपस्थित हुए। आज कलेक्टर महोदय ने यहाँ उत्कृष्ट विद्यालय में आकर के इसका शुभारंभ किया और यहाँ सभी कक्षों में जाकर जो है उन्होंने निरीक्षण किया। आगे इसको और आप किस तरह से चलाएंगे? आगे इसकी योजना जो है पहले से शासन द्वारा बना ली गई है। चूँकि 1449 बच्चे जिले में हैं तो ऐसी योजना बना रहे हैं कि तहसील स्तर पर जो है बच्चे काउंसलिंग ले सकें। इसमें यहाँ गर्मी के मौसम में आने जाने में कोई दिक्कत नहीं। ईसागढ़ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम परासरी में सोच नदी में जन अभियान परिषद के द्वारा श्रमदान किया जा रहा है, जिसमें श्रमदान के दूसरे दिन सोच नदी में जब गहरीकरण किया जा रहा था तो कुछ ही समय में गहरीकरण करती हुई सोच नदी में से पानी निकलने लगा। जन अभियान परिषद 2 दिन से इस नदी में श्रमदान कार्य कर रही है। इसी क्रम में शनिवार को इस कार्यक्रम में ईसागढ़ तहसील के तहसीलदार इसरार खान, जन अभियान परिषद की ब्लॉक समन्वयक वंदना सागर, जन अभियान परिषद के द्वारा चलाया जा रहा BSW कार्यक्रम में मैटर मनोज शर्मा, पवन के बेटे ऋषि ओझा एवं सुनील राजपूत सहित BSW के छात्र विपिन रघुवंशी, संजीत
प्रजापति, अनिल रघुवंशी, मालती प्रजापति, संगीता खंडेले, गांव ग्रामीण जन वर्तमान सरपंच, सचिव एवं अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। इस दौरान सभी ने अपना पसीना बहाया और श्रमदान किया। जन अभियान परिषद की ब्लॉक समन्वयक श्रीमती वंदना सागर ने बताया कि जल संसद के अंतर्गत यह कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। ओरिसागर ब्लॉक के लिए सोच नदी का चयन किया गया है, जिसमें लगातार हम इस कार्य को करेंगे। गौरतलब है कि सोच नदी ग्राम पंचायत धुर्रा से प्रारंभ होकर अखाई घाट तक जाती है, जो सिंध नदी पर मिलकर समाप्त होती है। सोच नदी सिंध नदी की सहायक नदी है। इसके द्वारा 7000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। पूर्व वर्ष में इस नदी के क्षेत्र में 57 इंच की बारिश हुई थी, जो कि इस वर्ष घटकर 25 इंच रह गई थी। जन अभियान परिषद के द्वारा लगातार किए जा रहे हैं, जिसका लाभ इस नदी के किनारे बसने वाले गांव को मिल रहे हैं। मौके पर जब श्रमदान के द्वारा नदी की खुदाई के दौरान पानी निकला, तो तहसीलदार महोदय ने ग्रामीण जनों के साथ बैठकर यह चर्चा की कि किस तरह से इस नदी का और गहरीकरण किया जा सकता है, जिस पर सभी ग्रामीणों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और इस कार्यक्रम के दौरान मिली सफलता पर भी सभी ने बधाई दी। साथ ही जन अभियान परिषद के इस कार्य की सराहना सभी ग्रामीणों द्वारा की गई और कहा गया कि जल्द